अब है समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए एक पैराडिग्म। दूसरा टॉपिक है इसमें तुम्हारा, इससे पहले भी तो था कोई सा पैराडिग्म से पहला टॉपिक कौन सा है? मिडिल रेंज मुझे ऐसा याद आता है जिससे मैंने इस पर डाल रखा है चैनल पे, ढूंढ के देखना, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास बहुत अच्छा है मिडिल रेंज, उसको मैं बता दूंगी। मिडिल रेंज भी इसी का है, मर्टन का। मर्टन ने क्या क्या कहा मिडिल रेंज को, एक छोटे से मैं बताती हूँ। मिडिल रेंज सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जो वृद्ध सिद्धांत और लघु सिद्धांत के जो बीच की कड़ी होती है उसे मध्य सीमा सिद्धांत कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है और इसके कई सारे पॉइंट्स हैं वो के हाँ वो मध्य सीमा सिद्धांत कहलाती है। ये सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू मर्टन भी, ठीक है, क्योंकि जो पार्सन्स है वो बहुत बड़े सिद्धांतों की बात करता है और कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे सिद्धांतों की बात करते हैं। फिर क्या कहता है मर्टन, मर्टन कहता है कि हमें ना ही तो बहुत बड़े सिद्धांतों की आवश्यकता है और ना इतने छोटे जो सोसाइटी के एक पक्ष को केवल दर्शाएं, हमें कुछ ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है जो हमें बीच वाली कंडीशंस भी बताएं कि एक तो दिखाता है कि शिखर पे चला गया बंदा, कि एक तो आईएएस बन गया पीसीएस बन गया, वाओ क्या बात है, एक क्या है एक बिल्कुल रह गया, अच्छा फेल हो गया भाई, अब की बार भी फेल हो गया। लेकिन जो बीच वाली कंडीशन होती है, जो मेंटली स्टेटस होता है इंसान का, उसको भी तो दिखाने वाला कोई होना चाहिए कि कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। केवल खुशियाँ खुशियाँ लाइफ में नहीं होती, या फिर केवल गम गम भी लाइफ में नहीं होते, ये पार्ट होते हैं। तो ऐसा भी तो सिद्धांत होना चाहिए जो बीच की बात को भी दिखाए या दर्शाए, तो ये कहना था मर्टन का। तो इसीलिए उसने मध्य सीमा सिद्धांत को दिया। फिर आता है पैराडिग्म। पैराडिग्म तुम्हारी इस बुक में है तो बुक से देखते हैं। मर्टन पैराडिग्म की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि यह न्यूनतम अवधारणाओं का वह समूह है जिसके बिना समाजशास्त्री एक प्रकार्यात्मक विश्लेषण भली भांति नहीं कर सकता। प्रकार्य हमने देख लिया क्या था, तो ये कहते हैं कि पैराडिग्म जो है हमारे लिए इतना आवश्यक है कि उसके बिना हम कोई फंक्शन कर ही नहीं सकते। कुल मिला के प्लानिंग के बारे में बात करेगा ये। मर्टन के अनुसार पैराडिग्म न केवल सीधे तौर पर बल्कि अवधारणा को भी बताता है, कि वो सीधे सीधे नहीं कहता कि हाँ जाओ और उस पर चढ़ जाओ, वो बताता है कि कैसे चढ़ना है, पेड़ पे चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, तो वो बताता है, बल्कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में छुपे हुए रहस्यों को भी खोल देता है। तो दूसरे शब्दों में पैराडिग्म के अभाव में किसी सिद्धांत को विधिवत मतलब कोडिफाई करके कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पैराडिग्म समाजशास्त्रीय अनुसंधान में क्रमहीनता तथा नियमहीनता की संभावना को कम करता है। कि ये कहते हैं कि क्रम सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तुम्हारा एडमिशन हुआ, एडमिशन के टाइम रोल नंबर होते हैं, सीक्वेंस होता है किसको कौन सा काम दिया जाना है, उसका भी सीक्वेंस होता है। कोई भी काम करने के लिए उसे कोडिफाई किया जाता है। तो क्या कहता है पैराडिग्म, इसी चीज़ पर जोर देता है। सबसे पहला कोडिफिकेशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू है, शेड्यूल है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनायर है, तो इन सारी पद्धतियों का उपयोग करते हैं, तभी कोई रिसर्च संभव हो पाती है। तो कोडिफिकेशन पर जोर देता है। दूसरा क्रम को, कि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, हाँ, और तीसरा नियमों का पालन। तो इन तीन चीज़ों को पैराडिग्म में सबसे आवश्यक मानता है मर्टन। फिर आता है इसके लिए देता है कुछ नियम। कुछ नियमों में इससे पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये क्या कहता है, मतलब जो चीज़ें इन्होंने अभी बताई उसको कैसे डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू मर्टन के शब्द। मर्टन कहता है कि पैराडिग्म की आवश्यकता हमें
कब होती है? जब हमारे सामने ऐसे प्रश्न खड़े हो कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को कैसे खुला है नोट्स का मतलब ही शॉर्ट होता है। अगर मैं भी तुम्हारी इस बुक में से निकालूंगी ना, जैसे अभी मैं सारा पढ़ रही हूँ, सारा पढ़ने के बाद जो सार तुम्हें बताती हूँ वो सार अच्छा लगता है ना, उससे ज़्यादा समझ में आता है कि हमें बहुत सारी थ्योरी समझ नहीं आएगी, उसका जो सार निकल के तुम्हारे सामने आएगा तो उससे हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं और हमें याद रहती है। ठीक हाँ, प्रकार्यवाद के अंदर ही दिया होगा। क्या है अभी हम क्या कह रहे थे कि विश्लेषण को कैसे संचालित किया जाए, इसमें क्या क्या अध्ययन के लिए रखा जाए, किस किस चीज़ पर अधिक जोर दिया जाए, तथा रूढ़िवादिता और मौलिकता के बीच वैचारिक संघर्ष को कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए इसके चार नहीं, इन्होंने तो तीन बताए हैं, मुझे लग रहा है मेरे वाली जो बुक है उसमें चार बताए हैं, चार मत दिए हैं। वो है उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, अगर उसमें डिफरेंट होगा ना, अलग होगा, तो उसमें से देख लेंगे। बाकी तुम्हारे इसमें ना नोट्स भी पड़े हैं, सॉरी चैनल है ना, इस पर नोट्स भी पड़े हैं इसके पैराडिम के, हाँ उसकी अलग अलग, एक में 11 मदे भी दिए हैं कोई से की। अब क्या है, एजिल पैराडिम की दी है, वो है तो वही पैराडिम की मदे, इसमें दी है केवल 3 मदे। किसके अनुसार? मर्टन के अनुसार पैराडिम की के 3 मदे हैं, या फिर 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं जिनसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं? पहला, वे मत जिनके प्रकारों की पहचान करनी है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनके फंक्शंस की हमें पहचान करनी है कि कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। कोई भी काम करेंगे हम, किसी भी काम की रूपरेखा बनाएंगे, तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शन हमें करने हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परिणामों की अवधारणा, नंबर 2 है वस्तुनिष्ठ परिणामों की अवधारणा, जो ऐसे परिणाम, वस्तुनिष्ठता क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिविटी और दूसरा होता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, पता है तो बताओ, सिंपल शब्दों में बताओ। नहीं, देखो सब्जेक्टिविटी का मतलब जब हम किसी, ये मैंने तुम्हें कॉपी चेक करने के लिए दी, ये तुम्हारी फ्रेंड है और सारी क्लास की दी है, जो तुम्हारी फ्रेंड है उसके ज़्यादा नंबर रख दो और बाकी सब का रिजल्ट उससे कम रख दो, ये क्या हुआ, सब्जेक्टिविटी। जब हम किसी निर्णय को लेकर बायस हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, मतलब अगर रिजल्ट देना है तो एक जैसा देना है, किसी ने गवाही देने के लिए बुला लिया तो एक मत होकर, हाँ ठीक है, ये नहीं कि हमें ये वाली सरकार पसंद है तो चाहे वो उल्टा करे सीधा करे कुछ भी करे यही बेस्ट है, नहीं, वस्तुनिष्ठता के अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके बारे में भी खुलकर कहना कि बेशक वो मेरी फ्रेंड है, कि नंबर जो उसके जायज़ है उसको उसके अनुसार नंबर देना, कि जिसमें बायसनेस ना हो, वो ऑब्जेक्टिविटी। और कभी भी कंफ्यूज हो जाओ तो सिर्फ एक को याद कर लो, या तो सब्जेक्टिविटी को याद कर लो या फिर ऑब्जेक्टिविटी को याद कर लो, क्योंकि दूसरा जो है वो उसके ऑपोजिट होगा, तो इससे कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि ये टॉपिक भी आता है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी तुम्हें कहीं भी देखने को मिल जाएगा, वस्तुनिष्ठता और विषयनिष्ठता। ठीक है, विषयनिष्ठता, हाँ ठीक है, हाँ इक्वल, सबको एक जैसा रख लो। फिर क्या आता है, प्रकार्य के अधीन इकाइयों की अवधारणा। पहली थी वे मत जिनके प्रकारों की पहचान करनी है, कि भाई हमें आखिर किस टॉपिक पे काम करना है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे सामने समस्या क्या है जिसका कि हमें सलूशन निकालना है। फिर क्या है, दूसरा कि समस्या है हमारे पास, ठीक है भाई हमें कॉपी चेक करनी है, लेकिन हमें क्या करनी है उस कॉपी को, बिना बायसनेस के चेक करनी, तो उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ परिणामों की अवधारणा।
तीसरा है प्रकार्य के अधीन इकाइयों की अवधारणा, कि जो फंक्शन के अकॉर्डिंग इकाइयां आती हैं उनकी अवधारणा को कैसे हमें कंप्लीट करना है। अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बुक क्या कहती है। अभी तो हमने देखा कि जैसे हमें समझ आया हमने उसके अकॉर्डिंग समझा, अब हम समझेंगे जैसे हमें बुक समझाना चाहती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वे मत जिनके प्रकारों की पहचान करनी है, ये क्या है, अनुसंधानकर्ता के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वह उन आदर्श सामाजिक सांस्कृतिक मदों को पहचाने जिनका वह प्रकार्यात्मक अध्ययन करना चाहता है। कुल मिला के हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका हमें सोल्यूशन करना है, क्योंकि अपने अध्ययन के लिए वह सभी हस्तगत पदों को नहीं ले सकता। बल्कि भाई हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, सारा काम हम ही कर लेंगे क्या, सफाई भी, ये भी, वो भी, वो भी, जब हमारे पास, या फिर कॉलेज में फंक्शन है तो भी हम क्या करेंगे, डिवाइड, अच्छा फूल आपको लाने हैं, सरस्वती माता का अरेंजमेंट आपको करना है, दीप आपको प्रज्वलित करना है, या फिर ये वाला डिपार्टमेंट आप संभालोगे सारा पूजा, हाँ, और खाने पीने का आपके ग्रुप को देखना है, और उनको लेकर आना है या छोड़ कर आना है, रिसीव करना है गेस्ट को, तो वो दूसरे का काम, तो उसमें भी ग्रुप डिवाइड हो गए, उन ग्रुपों में भी पांच पांच बंदे हैं तो वो सबको अलग अलग काम डिवाइड करना, ठीक है। अब क्या है, सभी हस्तगत पदों को नहीं लिया जा सकता, बल्कि कुछ मानक सामाजिक तथ्यों को ही ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हम ही कर लेंगे या सारी प्रॉब्लम को हम ही देख लेंगे, तो अलग अलग करनी ज़रूरी है। वे मानक सामाजिक तथ्य कौन से हैं इसका पता उसे अपनी विषय सामग्री के अनुसार लगाना होगा। उदाहरण के लिए अब इनका उदाहरण देखो, मटन कौन सा उदाहरण लेते हैं, भारतीय गाँव का अध्ययन, भाई हमें भारतीय गाँव का अध्ययन करना है। अपने अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता को यह निश्चित करना होगा कि वह गांव से संबंधित तमाम मदों जैसे विकास, साक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक व्यवस्था आदि में किन किन मदों का अध्ययन करना चाहता है, ठीक है। क्या वो सभी मदों का अध्ययन करना चाहता है या फिर इनमें से कोई एक पार्ट लेना चाहता है कि मैं तो अब इलेक्शन आने वाले हैं, मैं तो राजनीतिक व्यवस्था पर अपना एक पेपर लिखूंगा या फिर कोई रिसर्च लिखनी है या लिखूंगी या लिखना लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी किसी भी मद का हम इसमें से चुनाव कर सकते हैं, विकास का भी ले सकते हैं, साक्षरता का भी ले सकते हैं, गरीबी का भी ले सकते हैं, इनमें से एक का करना है चुनाव। सेकंड नंबर जो था, ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर आ गया। सेकंड नंबर था वस्तुनिष्ठता। मर्टन के अनुसार एक मद आइटम सकारात्मक और दुष्प्रकार्य दोनों तथ्य होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं रिजल्ट हमारे पास, निगेटिव भी हो सकते हैं। एक समाजशास्त्री को चाहिए कि वह इन दोनों का एक शुद्ध संतुलन लेकर चले। कुल मिला के इन्होंने कहा कि पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं परिणाम, कोई हार भी सकता है और कोई जीते, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही। तो ये कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि चैनल टीवी हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, इसे हमें तमाम समाचार व जानकारियां घर बैठे मिल जाती हैं, यह हमारे मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रकार्य भी हैं, जैसे यह उपभोक्तावाद, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने के बारे में सिखाता है, कभी किसी चीज़ का ऐड आ रहा है, कभी किसी चीज़ का ऐड आ रहा है तो वो हमें बताएगा, सेक्स और हिंसा प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिस जिस तरह के उसमें वहाँ पे वल्गैरिटी दिखाते हैं, गाने भी हर तरह के चलते हैं, कोई ज़रूरी है कि सारी लड़कियाँ पूरे कपड़े नहीं पहन कर नाच सकती, लड़के तो पूरे कपड़े पहनेंगे कि लड़कियाँ क्या करेंगी, वो आधे शरीर पर ही कपड़े उनके रहते हैं, तो ये सब क्या निगेटिव प्रभाव डालता है सोसाइटी पर। अतः एक शुद्ध परिणाम पाने के लिए हमें इन दोनों में एक संतुलन बनाकर चलना होगा, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना वो हम पर डिपेंड करता है। कई बार एक सर्वेक्षण देखा था मैंने, टीवी चैनल पर ही आ रखा था, कि एक हम देखते हैं कि बॉयज़ जो है वो लड़की को देखते हैं या नहीं देखते, क्यों देखते हैं इस तरह से। एक ने मिनी रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पे मिनी स्कर्ट में एक लड़की को घुमा रहे हैं और कैमरा उसके पीछे पीछे चल रहा है, कैमरे वाले थोड़े पीछे हैं,
तो जब वो जा रही थी निकल के, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे कि हाँ मतलब कोई जा रहा है। तो एकदम से रिपोर्टर पीछे से, क्या क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या आपने कभी लड़की नहीं देखी? तो बेचारे इंटरव्यू देने वाले मतलब वो ऐसे झेप जाते थे कि पता नहीं क्या हमसे पूछ लिया या फिर हमारे इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन तब जब भी देखो कि जब एक रेलवे स्टेशन है, नॉर्मल क्लोथ्स पहनकर सब लोग हैं, लेकिन कोई आधे आधा नंगा होकर घूमेगा तो ऑब्वियसली देखा जाएगा। नॉर्मल हाँ, तो लड़कियाँ भी देखेंगी। तो तुम इवन और ओड के सिस्टम में ओड दिखाई दोगे तो देखे ही जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं कुछ सोसाइटी के लिए। बहुत सी लड़कियाँ लड़ती हैं, झगड़ती हैं कि हाँ हम तो पहनेंगे। तो कौन सी, मैं तो मानती कि कौन सी ही मैनर्स है छोटे कपड़े पहनना। कहते हैं ना कि मोबाइल फ़ोन का भी बहुत अच्छा ऐड आया था कि मोबाइल फ़ोन भी अगर आपका है तो वो भी कवर्ड चाहिए। तो हमारे तो ये अंग है, शरीर है, क्या लड़के नंगे ही घूमते रहते हैं? नहीं घूमते ना, वो भी ढक के चलते हैं। क्या लड़कियाँ अच्छी दिखती हैं, अट्रैक्टिव दिखती हैं? अरे अपने घर में जाके अट्रैक्टिव दिख लो। देखो, प्रकार के अधीन इकाइयों की अवधारणा, अब ये तीसरा मद है। मार्टिन के अनुसार सभी मदों का कोई प्रकार या दुष्प्रकार हो, यदि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। भाई सभी सभी बच्चे हैं हमारा, हम जब 10 के 10 बच्चों पर एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। बहुत बार होता है कि रिज़ल्ट सबका एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबका रिज़ल्ट खराब ही हो, सबका अच्छा भी तो हो सकता है कि सब बच्चे एक जैसी मेहनत कर रहे हैं और सबका 90 से ऊपर ही रिज़ल्ट जा रहा है, कि हमने 10 बेस्ट बच्चों का चुनाव कर लिया कि जिन्होंने पढ़ना नहीं है उन्हें तो पढ़ना ही नहीं है। हमने किन बच्चों का चुनाव किया? जो बेस्ट थे, कि बेस्ट 10 थे। कि ग्रुप में कौन आएगा, हमारे नेट वाले ग्रुप में कौन आएगा? जिसको पढ़ना होगा, ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जब हम बेस्ट का चुनाव करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट निगेटिव हो, पॉजिटिव ही भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, तो एक ही पार्ट भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि चीज़ जो एक समाज या समुदाय के लिए प्रकार्य है, वही दूसरे समाज या समुदाय के लिए दुष्प्रकार्य हो सकती है। हमारे समाज में बृहस्पतिवार को अधिकतर कपड़े नहीं धोए जाते, सर भी नहीं धुला जाता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, लेकिन दूसरे समाज में ये वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनमें नॉर्मल है। तो इसीलिए कहा है कि वहाँ पर कुछ प्रकार हैं तो दूसरी जगह ये दुष्प्रकार हैं। उदाहरण, दूरदर्शन द्वारा क्रिकेट मैच का प्रसारण के दौरान अपराध दर कम हो सकती है, वहीं दूसरी ओर दुष्प्रकार के रूप में ऑफिसों में काम ठप हो जाते हैं, ठीक है। सारे ऑफिस वाले क्या करते हैं, काम ठप करके केवल मैच ही देखने लगते हैं। तो एक पॉजिटिव पार्ट था कि हाँ सब मैच देख रहे हैं, वाह कोई बुरी बात तो है नहीं, टीवी में मैच ही तो चल रहा है, लेकिन कामकाज का बंद हो जाना वो एक दुष्प्रकार है। तो यहाँ पर एक प्रकार और दुष्प्रकार को भी समझाया गया है कि एक प्रकार क्या होता है, मतलब पॉजिटिव प्रकार क्या होता है और निगेटिव प्रकार क्या होता है। एक ही काम को करने के पॉजिटिव प्रकार भी हो सकता है वो और निगेटिव भी, ठीक है। मैच टीवी में चल रहा है, मैच को देखना कोई दुष्प्रकार नहीं है, लेकिन मैच के कारण हाँ उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण दुष्प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। तो यही ये मार्टिन का क्या था, पैराडिम था, पैराडिम को उसने काफ़ी अच्छे से समझाया, ठीक है भाई। और उसने तो जो समझाया वो समझाया, हमारी एनर्जी भी थोड़ी चली गई बेचारी। अच्छा, अब क्या करता है मार्टिन के 4 कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग बाय मार्टिन, 4 कॉन्सेप्ट और इसने दिए हैं, अभी तो नहीं, इसे हम नेट में करेंगे। प्रकार्य बताया, कार्य बताया, प्रकट कार्य बताया और अंतहीन प्रकार्य बताया। इसको बिल्कुल शॉर्ट में हम क्या देते हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, प्रकट प्रकार्य क्या है, अप्रकट प्रकार्य क्या है, प्रकार्य है दोनों भी, अप्रकट और प्रकट। फिर हाँ देखो, प्रकार्य क्या है, प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम, एक सेकेंड मैं पेज नंबर चेंज कर लूँ तुम्हारा, 21 पे है।
मर्टन ने प्रकार्य विश्लेषण के संदर्भ में चार अवधारणाएं बताई हैं। चार कौन सी अवधारणाएं तुम सोचते रह जाओगे, लेकिन प्रकट प्रकार्य, अकार्य, प्रकट कार्य और क्या है अंतर्हित प्रकार्य, मतलब ये अप्रकट प्रकार्य है। कुल मिला के नंबर वन प्रकार्य, प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम जो एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। समझ आया? मुझे तो नहीं लगता। किसके आया समझ? किसने कहा यस? बता क्या समझ आया? हाँ, प्रकट प्रकार्य क्या है? अंतर्निहित तो बाद की बात आ गई, वो अलग हो गया, इसीलिए मिक्स मत करो, है ना। इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा और इजी वे में समझो। प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम है, मतलब कि फंक्शन कुछ ऐसे परिणाम है जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं, जिन्हें हम परखते हैं। हाँ, मैम क्या करती है कि कोई बच्चा किस काम को कर सकता है या कौन सा नहीं कर सकता है। माँ को पता है कौन सा बच्चा के हमारा लड़का या लड़की के, लड़की चाय अच्छी बनाती है या लड़का अच्छी बनाता है। चलो इसको अपने घर से उदाहरण ले लो, किसको बताएगी मम्मी चाय बनाना? जिसको अच्छी आती होगी। अभी एक रील क्या है, वायरल है रील, माँ अपनी बच्ची को क्या सिखाती रहती है, कभी भी गोल रोटी मत बनाना और कभी भी अच्छी चाय तो कभी बना ही ना देना। क्यों? क्योंकि वो रोज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो माँ चाय बनाने को या फिर कोई भी काम करने को किसको कहा जाएगा, जो जिस काम में दक्ष होगा, जो जिस काम को अच्छा कर सकेगा उसको वो कार्य दिया जाएगा। ये कहता है प्रकार्य। प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो एक व्यवस्था विशेष के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। डांस का जब तुम्हें प्रोग्राम दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, तो सबसे ऊपर किस बच्चे को चढ़ाया जाएगा, जो हल्का होगा और अगर वो गिर भी जाए तो वो संभल जाएगा, ठीक है। जो एक्टिव होगा भाग दौड़ने में, क्या हाँ फट से उसके ऊपर चढ़ जाए सबके ऊपर और फट से वो नीचे उतर जाए, तो उनकी संभावनाओं का पता होगा कि ये बंदा इस काम को कर सकता है। परीक्षित हो निरीक्षित हो वो प्रकार्य कर सकता है, ठीक है। प्रकार्य क्या है अब बताओ जल्दी। मैम वो निरीक्षित कार्य है, मतलब जिनकी मतलब ऐसे परिणाम किसी व्यवस्था को बनाने के लिए जो, हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइज काम को करने में सक्षम हो सके, ठीक है। हाँ हाँ, व्यवस्था को का संचालन तुम लोग कर सको उसे प्रकार्य कहेंगे, वो प्रकार्य के अकॉर्डिंग आएगा। अकार्य प्रकार्य, अकार्य जो व्यवस्था में ना आए, व्यवस्था के अनुकूल ना हो, ठीक है। हाँ हाँ, किसी को भी एक काम दे दे, अच्छा तुम में से कोई भी कर लेना, लेकिन उससे क्या उसे मैनेज हो ही नहीं रहा है, ये क्या अकार्य, ठीक है। अकार्य वे निरीक्षण के परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूल सामंजस्य को कम करते हैं, ठीक है। ग्रुप लीडर ऐसा बना दिया जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और प्रकार्य में ऐसा ग्रुप लीडर होना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को अच्छे से बना सके, सामंजस्य एक दूसरे के साथ कर सके, ठीक है। ये वाला उदाहरण सबसे बेस्ट रहेगा, ग्रुप लीडर वाला। प्रकार्य को भी करेगा ये, अकार्य को भी, उसमें भी उदाहरण आ जाएगा और इसमें भी। अब आया प्रकट कार्य, दोनों चीज अलग थी, प्रकार्य अकार्य, अब क्या प्रकट कार्य जो हमें दिखाई देते हो। प्रकट कार्य वे निरीक्षण के परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं, कि केवल आप योगदान बना, वो नहीं बना रहे व्यवस्था, बल्कि उसमें योगदान दे रहे हो, और जो कि व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मान्य या इच्छित होते हैं, कि तुम्हारी पूरी की पूरी टीम तुम्हें प्यार भी करती है और तुम उस टीम का हिस्सा भी हो, तो ये क्या हुआ प्रकट कार्य, ठीक है।
जो हमें सामने से दिखाई भी दे रहा है, हाँ प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। और अंतर्निहित प्रकार्य वही जो आप व्यवस्था बना रहे थे लेकिन आप उस व्यवस्था में शामिल नहीं थे, उस टीम का टीम को ऑर्डर तो कर रहे थे लेकिन टीम का हिस्सा नहीं थे। मैम क्या करते हैं, मैम टीम बनाते हैं ठीक है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तुम करते हो, उनमें से भी कोई लीडर होता है तो वो पार्टिसिपेट करता है ठीक है, तो वो आएगा प्रगट कार्य के अकॉर्डिंग। और अंतर्निहित प्रकार्य न तो मान्य होते हैं और न ही इच्छित, कि ना ही तो इनकी कोई मान्यता होती है और ना ही ये इच्छित होते हैं, ये ऑर्डरिंग पे होते हैं। अच्छा, मतलब ना हमारी कोई इच्छा है और ना ही, हाँ भाई ये तो करने ही हैं। हाँ दूसरे शब्दों में अंतर्निहित प्रकार्य ऐसी स्थिति या परिणाम को उत्पन्न करते हैं जिनके विषय में इस प्रकार्य को करने वाले ने कभी सोचा ना था, ना ही कभी इसको करने की उसकी इच्छा थी। हाँ जैसे गौतम गंभीर है, हमने उनका इंटरव्यू जब सुना था तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी ना तो मैं क्रिकेट में मेरी इच्छा थी और ना ही मैंने क्रिकेट के बारे में कभी सोचा था, मैं तो मिलिट्री में जाना चाहता था लेकिन इत्तफाक से मैं क्रिकेट में अच्छा था, खेलता था तो मैं इसमें आ गया। अंतर्निहित प्रकार्यों में प्रेरणा परिस्थिति और परिणामकर्ता का जाना पहचाना नहीं होता। अंतर्निहित प्रकार्य के तो बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिसकी इच्छा या कल्पना तक उस कर्ता ने कार्य को करते समय नहीं की थी। ठीक है, अंतर्निहित प्रकार्य क्या हुए कि जिन कार्यों को करने की ना ही तो आपकी इच्छा हो और ना ही हाँ आप उन्हें करना चाहते हो, नहीं प्लानिंग करके चले हो ठीक है। आपने हाँ आपने क्या क्या किया कि मैं तो डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बनना डिसाइड है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, पर पता चला आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि आप टीचर बन गए, क्योंकि आप क्लास में मोटिवेट करते थे सबको और अच्छा पढ़ाते थे, अच्छी कमांड थी आपकी तो इसलिए आप टीचर बन गए। तो काम भी अच्छा है लेकिन अंतर नहीं था, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ठीक है भाई, ओके समझ आ गया, चलो थैंक यू, ओके।